इस वीडियो में दिखाया जाने वाला फोन मैंने और मेरी टीम ने मिलकर बनाया है, जो कि एक डमी फोन है। ये सिर्फ इसलिए बनाया गया कि ये फोन कैसा दिखने वाला है, इस जानकारी के लिए। तो आप वीडियो को चलो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। हे गाइस, कैसे हैं आप सब। आज मैं अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ रेडमी के 10X का। ये जो फोन है एक डमी पीस है, डमी पीस बोले तो इसे मैंने खुद से बनाया ताकि आपको बता सकूँ कि ये फोन कैसा दिखने वाला है। सो यार, वीडियो के अंत तक आप जरूर बने रहिएगा, आपको इसका पूरा कॉन्सेप्ट दिखाने वाला हूँ कि कैसा दिखने में रहने वाला है, सारी स्पेसिफिकेशन आपको बताऊंगा। तो चलिए फटाफट से इसको डब्बे को ओपन कर लेते हैं। डब्बे ओपन करने के बाद हमको एक लीड मिल जाएगा जिसमें हमको एक टीपू केस और बाकी डॉक्यूमेंटेशन मिल जाएंगी। देन हमको मेन फोन मिल जाएगा जो कि कुछ इस प्रकार का। आपको दिखा देता हूं एक बार फर्स्ट लुक, जो कि डमी पीस है, डमी पीस बोले तो इसे मैंने खुद से बनाया है। सो कुछ इस प्रकार का दिखने में रहेगा और ये कुछ इस प्रकार का है। इसमें व्हाइट कलर है, ब्लू और ग्रीन कलर का भी इसमें आएगा ऑप्शन। बाय द वे, यहाँ पे हमको एक 18 वॉट का फास्ट चार्जर डब्बे में दिया गया, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और इसके बाद हमको एक टाइप सी डेटा केबल डब्बे में दी गई है। और पहले बता दूँ, ये जो फ़ोन है चाइना में रेडमी 10X के नाम से जाएगा और इंडिया में हो सकता है कि रेडमी नोट 9 के नाम से आ जाए। बाद में दिखने में कुछ इस प्रकार का ये है। और यहाँ पर हमको क्वाड रेयर कैमरा मिल जाता है, 48+8+2+2 मेगापिक्सल का क्वाड रेयर कैमरा। और फिंगरप्रिंट स्कैनर इसमें बैक में दिया गया है। बाकी रेडमी नोट 9 प्रो और प्रो मैक्स में हमको साइड माउंटेड दिया गया था, इसमें हमको बैक में दिया गया। और बाय द वे, यहाँ पास जो है हमको एक फ्लैश लाइट दी गई है साइड में, जो कि आप देख सकते हो। रेडमी की ब्रांडिंग है, 48 मेगापिक्सल का रेयर कैमरा है। और इसमें बताया जा रहा है कि 5000 mAh की एक बड़ी बैटरी हमको दी जाएगी। ग्लास बैक हमको दिया जाएगा और इसमें इस बार गोरिल्ला ग्लास 5 प्रोटेक्शन दिया जाएगा, फ्रंट एंड बैक बोथ। प्रोसेसर की बात कर ले तो यहाँ पे हमको बताया जा रहा है कि मीडियाटेक का हीलियो G85 प्रोसेसर मिल जाएगा, जो कि काफ़ी पावरफुल चिपसेट रहने वाला है, जो कि मीडियाटेक हीलियो G80 और G90 के बीच में है, जो कि काफ़ी एक अच्छा परफॉर्मेंस आपको दे देगा। मतलब आप PUBG इसमें आराम से खेल सकते हो, स्मूथ एक्सट्रीम में चलेगा शायद से PUBG इसमें। और कुछ इस प्रकार का ये दिखने में है। फोन की बात हो गई बैक साइड की, अब बात कर लेते फ्रंट साइड की। तो यहाँ पास हमको एक 6.5 इंच की फुल HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले दी गई है, जो कि MIUI 12 पे बेस्ड रहने वाला है ये फोन। और यहाँ पास जो है हमको Android 10 आउट ऑफ द बॉक्स दिया जाएगा और Android 11 का भी अपडेट इसमें मिल जाएगा, और आउट ऑफ द बॉक्स इसमें MIUI 12 हमको दिया जाएगा। मैं भी दिखने में कुछ इस प्रकार का रहने वाला है। और तो और यार, इसकी प्राइसिंग की बात कर ले तो 10,000 से इसकी प्राइसिंग स्टार्ट हो सकती है 4GB 64GB के लिए। बताओ, अगर आपको और कुछ पूछना हो मुझसे इस फोन के बारे में तो आप मुझसे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और फ्रंट कैमरा की बात करने में भूल गया था, तो यहाँ पे हमको फ्रंट कैमरा बताया जा रहा है कि 13 MP का दिया जाएगा, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। बताओ आपकी राय, होप यू लाइक दिस वीडियो, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। तो बस आज वीडियो में था, जय हिंद, मात्र बाय। Cross out the ones who heard my cries and watched me weep. I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe.